हेलो दोस्तों, मैं हूं देव सागर और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एक नई रोशनी। दोस्तों, कैडर पिलर का जो प्लान है मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुका हूं। केवल इसके फंक्शन के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो कैडर पिलर की एप्लीकेशन है उसमें वर्क नहीं करना है। जो डेली का टास्क है उसमें आपको डेली का टास्क कम्प्लीट नहीं करना है। अगर आप एप्लीकेशन पर डेली का टास्क कम्प्लीट करते हैं तो आपको कोई भी पैसा वहाँ से नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी काम करें, जो भी टास्क कंप्लीट करें, वो वेबसाइट पर ही टास्क कंप्लीट करें, तभी आपको पैसा मिलेगा। ये इन्फॉर्मेशन अपनी जो डाउनलाइन में भी आप दे दें। तो आप वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए ये वेबसाइट पर इसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आपको इस लिंक के थ्रू ही वहाँ पर वेबसाइट पर जाना है। तो ये लिंक आप नोट कर लीजिए या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर जब इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ये इंटरफेस खुलकर आता है। तो काफ़ी लोगों के यहाँ पर जो है मेनू लिखा हुआ नहीं आ रहा है, तो घबराएं नहीं, ये कैटरपिलर तो लिखा हुआ आ रहा है लेकिन ये मेनू नहीं लिखा हुआ आ रहा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर उनका ब्लैंक आ रहा होगा तो आपको उस ब्लैंक स्थान पर ही क्लिक कर देना। तो मेरे में लिखा हुआ आ रहा है, मैं यहाँ पर मेनू पर क्लिक कर देता हूँ। अगर आपके में नहीं लिखा हुआ आ रहा है तो आप इस जगह पर क्लिक कर दें तो भी ये सारे ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है, तो लॉगिन में ये दूसरा इंटरफेस खुलकर आ जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, जिस मोबाइल नंबर से आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है वो मोबाइल नंबर डालना है, और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है, उसके बाद लॉगिन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर मेरा पासवर्ड और यूज़र आईडी सेव है तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। ये देखिए वेबसाइट खुलकर आ गई है और सबसे पहले ये वाला पेज खुलकर आता है। तो यहाँ भी बहुत सारे लोग अटक जाते हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर ऊपर की साइड में देखेंगे, इस साइड पर यहाँ पर क्रॉस का एक सिंबल बना हुआ है। मैं आपको ज़ूम करके भी दिखा देता हूँ, ये मैंने ज़ूम किया है। अब आप देखिए यहाँ पर ये क्रॉस का एक बना हुआ है, आपको इस क्रॉस से इसको हटा देना है। ये मैंने हटा दिया है, इसको क्लिक करके नहीं, अब इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए ये आपका यहाँ पर डेली टास्क, जो डेली टास्क आते हैं वो यहाँ पर आते हैं। डेली टास्क को कंप्लीट करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके डेली के टास्क खुल कर आ जाएंगे और एक एक करके आपको वो डेली टास्क कंप्लीट करने हैं। किस तरीके से कंप्लीट करने हैं वो भी मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर जो आपकी टुडे इनकम शो होती है, जो आप टास्क कंप्लीट कर रहे होते हैं वो भी इनकम आपको यहाँ पर शो होगी, और जो आपकी डाउनलाइन से आपको इनकम हो रही है, चाहे वो जॉइनिंग की हो चाहे वो डेली टास्क की हो, वो सारी इनकम आपको यहां पर शो होगी, ठीक है। और ये पूरे दिन यहां पर प्लस होती रहती है और रात को ठीक 12 बजे करीब ये यहां से ट्रांसफर हो जाती है आपके इस वॉलेट के अंतर्गत। जी, इस वॉलेट में रात को 12 बजे ये सारा पैसा आपका ट्रांसफ़र हो जाता है और उसके थोड़ी देर बाद ये सारा पैसा यहां से यहां ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। और इसमें आपका 15% कट जाता है जिसमें कि TDS और आपका एडमिन चार्जेस शामिल होता है। तो 15% कट के ये आपका पेमेंट वॉलेट में आ जाता है, और पेमेंट वॉलेट में आपका जितना भी पैसा होगा, पेमेंट वॉलेट में आपका जितना भी पैसा होगा उसका आप यहाँ पर रिडीम लगा सकते हैं। ये पैसा आपका यहाँ पर मिनिमम 105 रुपये होना चाहिए, जिसका कि आप 105 रुपये का रिडीम लगाएंगे और 100 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। 5 रुपया यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन चार्जेस कटता है जब भी आप यहाँ पर अपना विड्रॉल लगाएंगे। आप यहाँ पर 105 रुपीज़ से लेकर 1000 तक का जो विड्रॉल लगाएंगे उसमें आपका 5 रुपये ही ट्रांजेक्शन चार्जेस लगेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद जो आपको साइनअप अमाउंट मिला है 15 रुपये का, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप अपना मोबाइल रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं शॉपिंग वॉलेट से, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये जो पहला वॉलेट है टुडे मेंबर का, यहाँ पर टुडे मेंबर जो आपके आज की डेट में, जो आज की डेट में जितने भी बंदे ज्वाइन होंगे वो आपके यहाँ पर शो होंगे। और ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर केवल आपके जो डायरेक्ट रेफर लिंक से ज्वाइन होंगे, जी हाँ, डायरेक्ट रेफर लिंक से आपके ज्वाइन होंगे वही कैंडिडेट यहाँ पर शो होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके सेकंड लेवल वाले बंदे ने, किसी ने ज्वाइनिंग ली और वो बंदा भी यहाँ पर शो, वो यहाँ पर शो नहीं होगा। यहाँ पर केवल आपके जो डायरेक्ट से ज्वाइन करेंगे बंदे केवल वही यहां पर शो होंगे। इसके बाद दिस मंथ मेंबर, यहां पर आपके इस महीने में टोटल कैंडिडेट कितने ज्वाइन हुए, चाहे वो आपके रेफर लिंक से ज्वाइन हुए हों चाहे आपकी डाउनलाइन के रेफर लिंक से ज्वाइन हुआ, वो आपकी टीम में ही काउंट होते हैं। और इस मंथ के सारे मेंबर आपको यहां पर दिखाई देंगे। इसके बाद आपकी टोटल टीम जब से आपने ज्वाइनिंग की है, जब से लेकर अब तक की आपकी कितनी टीम हुई है, वो आपको इस
ऑप्शन के अंदर दिखाई देंगे, तो आप इसके ऑप्शन के अंदर जाके नहीं अपनी पूरी टीम को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी जानकारी आपको वॉलेट के बारे में देना बेहद ज़रूरी था। और दूसरी बात, यहाँ पर जो आप किसी को भी अपने रेफर लिंक से ज्वाइन कराएंगे तो आपका रेफर लिंक यहाँ पर आता है, ये जो दिया हुआ है ये आपका रेफर लिंक है, ठीक है। तो और इसको आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कॉपी करने के बाद आप अपना व्हाट्सअप खोलेंगे और वहाँ पर उसको पेस्ट कर देंगे, और जो मैसेज आप पोस्ट करना चाहते हैं उस मैसेज को एडिट करके रेफर लिंक को वहाँ पर डाल सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर देखिए आपको दो तरीके के रेफर लिंक मिलते हैं। पहला रेफर लिंक एक कोड के ज़रिए मिलता है, यहाँ पर ये देखिए कोड लिखा हुआ है जो कि मेरा रेफर कोड है 73230। अगर आप इसको मोबाइल, अपने मोबाइल नंबर को ही अपना रेफर कोड बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखिए ऊपर की साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है, इस जगह पर लिखा हुआ है सो मोबाइल नंबर इन रेफर लिंक। तो आपको यहाँ पर अगर अपना मोबाइल नंबर ही रेफर कोड बनाना है तो आपको यहाँ पर टिक करना है, इसके बाद आपका रेफर कोड आपका मोबाइल नंबर ही बन जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 9536314231, ठीक है। तो इस तरीके से आप ज्वाइन करा सकते हैं, दोनों रेफर लिंक आपके काम करेंगे, आपका मोबाइल नंबर का रेफर लिंक भी काम करेगा। और जिन लोगों को अपना मोबाइल नंबर किसी को नहीं देना है, केवल रेफर लिंक से ज्वाइन कराना है, तो वो अपना रेफर लिंक दूसरों को शेयर कर सकता है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी मैंने आपको दी है। इसके बाद मैं आपको और भी बताना चाहूँगा कि आपकी यहाँ पर मेंबर डिटेल्स जो लिखी हुई है, इसमें आप मेंबर डिटेल पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आप अपने डाउन के फर्स्ट लेवल के कैंडिडेट देख सकते हैं कि कितने कैंडिडेट आपके डाउन में ज्वाइन हुए हैं। ये देखिए ये ऑप्शन खुलकर आ गए हैं, और यहाँ पर जब भी आप खोलेंगे तो यहाँ पर 20 ही लिखे हुए आएंगे, यानी 20 एंट्रीज ही आपको दिखाई देंगी। लेकिन इसको अगर हम 100 करना चाहें या उससे ज़्यादा एक साथ देखना चाहें तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ऑल देख सकते हैं, 100 देख सकते हैं या 20 देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है जेनोलॉजी रिपोर्ट का, तो जेनोलॉजी रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। दोस्तों जेनोलॉजी रिपोर्ट पर अभी वर्क चल रहा है, इस वजह से ये नहीं खुल रहा है, पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो खुल रहा था, ठीक है। अभी इसमें कुछ वर्क चल रहा है तो अभी ये नहीं खुल पा रहा है। वहाँ भी आप अपनी जो टीम है वो पूरी की पूरी टीम आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आपको कैडर प्लर के मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू एंड धन्यवाद।